उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज चीनी मिल का शुभारंभ किया। वही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज चीनी मिल लगातार चलेगी, किसी भी किसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ कैबिनेट मंत्री ने सितारगंज चीनी मिल का फीता काटकर शुभारंभ किया। तो भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में बंद चीनी मिलों को सुचारू कर दिया है, जिससे उत्तराखंड सरकार में किसी भी किसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सभी चीनी मिलों में सभी लोगों को भुगतान समय से किया जा रहा है, जिसका फायदा उत्तराखंड के किसानों को मिल रहा है। वहीं मंत्री बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज चीनी मिल ना तो भाजपा की है और ना ही कांग्रेस की है, सिर्फ सितारगंज वासियों की है। वहीं मंत्री बहुगुणा ने कहा कि लगातार उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता के लिए कल्याणकारी साबित हो रहे हैं। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। सितारगंज चीनी मिल, जिसके ऊपर बहुत सारी असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई थी 21 तक, वो लगातार अपना दूसरा प्राइस की तरफ चलाने जा रही है। पिछले वर्ष हमने 17.5 लाख क्विंटल कराया था, इस बार का हमारा लक्ष्य 27 लाख क्विंटल का है। इस बार 20% उधम सिंह नगर में जो है गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा भी है, तो इसका मतलब कि किसानों के अंदर भरोसा जगा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गन्ना किसानों के हित के लिए है, इसीलिए 20% गन्ना हमारा बढ़ा है पूरे उधम सिंह नगर में।